वाओ इस तरह की बात नहीं आप ये जो हमारा रूम है फर्स्ट फ्लोर पर है वाओ तो गाइस जैसे कि इसका नाम है राधा कृष्ण रूम तो आप देख सकते हैं सारे रूम अलग होते हैं सबकी पेंटिंग अंदर की आर्किटेक्चर डिजाइन सब कुछ अलग अलग रहेगा। हे गाइस वेलकम बैक ऑन आवर चैनल मांझी सेल ब्लॉग। सो गाइस इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था सुरजीवन रिजॉर्ट का जिसमें हमने आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखाई थी और सारी सारी डिटेल आपको दी थी। सो गाइस आज हम दिखाने वाले हैं आपको सारी की सारी कैटेगरीज के रूम और देने वाले हैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करेंगे बट वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को साथ में टिको नोटिफिकेशन की बेल ताकि हमारे आने वाले इसी तरह यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारी जो पहली कैटेगरी है वो है डीलक्स मड हाउस और डीलक्स मड हाउस में हमें कुछ इस तरह का मिट्टी का बना हुआ ये ब्यूटीफुल सा रूम मिलता है। इसमें हमें कम्प्लीटली जो फील और इसका जो लुक है वो विलेज के ओल्ड जो घर होते हैं उसकी तरह है। सो गाइस अगर इस रूम के वॉल्स की बात करें तो ये कम्प्लीटली मट से बनी हुई हुई हैं और सेम फील आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनी हुई है जिसमें एक पेड़ को बनाया गया है। उसके बाद अगर बात करें इसके बेड की तो ये भी मिट्टी से बना हुआ है तो ये मेटल या किसी अदर चीज़ का नहीं बना हुआ है। सो गाइस इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक नीचे चटाई बिछाई गई है। सो गाइस अब बात करते हैं इसके अलमीरा की तो इस तरह से हमें एक यहाँ पर अलमीरा मिलती है जो कि पत्थर से बनी हुई है और इसका जो दरवाज़ा है ओल्ड स्टाइल का बना हुआ है और ये वुड का है। सो गाइस इस तरह का यहाँ पर क्वीन साइज बेड है और यहाँ पर एक लकड़ी का कवर्ड है। सो गाइस इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह की टेबल और कुर्सी है। हालांकि जो टेबल है वो मेटल की बनी हुई है लेकिन इसमें जो लुक आ रहा है वो बांस वाला आ रहा है और टेबल भी आप देख सकते हो जो पहले के ज़माने में दीवार उठा के और ये पत्थर लगा के टेबल बना दी जाती थी तो सेम उसी तरह की टेबल यहाँ पर बनी हुई है और ये सब देसी स्टाइल की। यहाँ पर देखिए कर्टन वगैरह लगे हुए हैं जो बाहर की विंडो है और यहाँ पर एसी लगा हुआ है लेकिन इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर कोई भी टीवी नहीं है कमरे में। इसके बाद गाइस यहाँ पर है बालकनी तो मैं बालकनी का लुक आपको देता हूँ। वाओ इस तरह की बालकनी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये जो हमारा रूम है फर्स्ट फ्लोर पर है और लुक देखिए आप। गाइस ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह के ये खूंटे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में इनको और ये पुराने जमाने में इस तरह के बनाए जाते थे। सो गाइस अब देखते हैं कि इस रूम का बाथरूम किस तरह का इन लोगों ने बनाया हुआ है। सो बाथरूम तो वेस्टर्न स्टाइल का ही है और सारी की सारी जो फैसिलिटीज होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर इन्होंने दी गई हैं। इस तरह का यहाँ पर मिरर लगा हुआ है और गीजर भी मिलता है आपको साथ में जो स्टाइल लगा हुआ है और ऊपर आप देख सकते हो जो ऊपर की जो डिज़ाइन है वो उसी पुराने स्टाइल में बनी हुई है। सो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का जो प्रीमियम कैटेगरी का रूम है वो किस तरह का है तो आइए आप मेरे साथ। सो सबसे पहले तो जो इसका एंट्री है कुछ इस तरह की है कंप्लीट हमें उसी तरह का ब्लेज वाला फील आता है और जब हम अंदर आते हैं सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ये क्वीन साइज बेड मिल जाता है। सो गाइस ये जो बेड का मटेरियल है ये मिट्टी से बना हुआ है जो पुराने ज़माने में यूज़ होता है और अभी भी अगर आप विलेजेस में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं जो नॉर्मली होटल्स वगैरह में होती हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो बेड के ऊपर साइड में एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनी हुई है और ये सारा का सारा मिट्टी से बना हुआ है जो कि एक कम्प्लीटली अमेजिंग है। साथ में यहाँ पर हमें पुरानी स्टाइल के जो बेडशीट और जो ये मैट्रेसेस हैं ये मिल जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर साइड में एक एक्स्ट्रा बेड आपको मिल जाता है तो अगर आप फैमिली या अपने बच्चों के साथ आ रहे हो सो ये वाला रूम है आपके लिए परफेक्टली फाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनी हुई है जिसमें एक बड़ा सा ट्री बना हुआ है और कई सारे जो चिड़िया वगैरह है उसको बनाया गया है। और गाइस ये जो वॉल डिज़ाइन करी गई है ये कम्प्लीटली मिट्टी से डिज़ाइन करी गई है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑसम। सो गाइस इसके सामने आप देख सकते हो एक ये अगेन मिट्टी का बेड है और इस पर मैट्रेसेस बिछा रखी है तो चार लोगों के लिए ये कमरा परफेक्टली सूटेबल है। इसके बाद हम साइड में आते हैं तो यहाँ पर हमें फ़ोन मिल जाता है, चाय कॉफ़ी के लिए कैटल मिल जाती है, मेन्यू वगैरह है वो रखे हुए हैं और इसके बाद यहाँ पर एक ये वुडन चेयर रखी हुई है और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये देखिए जो पहले के ज़माने में या गाँव में जो पत्थर लगता था उसी तरह का पत्थर लगा के यहाँ पर टेबल बनाई गई है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑसम। और काफ़ी डिज़ाइनर यहाँ पर ये लैंप वगैरह लगे हुए हैं और वॉल्स को भी सेम उसी स्टाइल में जिससे हमें ब्लेज वाला कम्प्लीटली फील मिले उसी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं वॉशरूम किस तरह का है। सो इस प्रीमियम कैटेगरी में आपको काफ़ी बड़ा वॉशरूम मिल जाता है। यहाँ पर साइड में आपको अपना लगेज या कपड़े वगैरह रखने के लिए एक अलमीरा मिल जाती है। इसकी डिज़ाइन भी सेम रखी गई है उसी तरह से
और कुछ इस तरह की पत्थर वाली अलमारी है। ये अलमारी आज भी अगर आप गांव में जाओगे या छोटी सिटीज में जाओगे तो इस तरह की पत्थर वाली अलमारी आपको मिल जाएगी। सो जो प्रीमियम कैटेगरी का रूम है उसके अंदर आपको इस तरह का बाथटब भी मिलेगा। तो जो बाथरूम का साइज़ है काफ़ी बड़ा है। सो गाइस ये जो रूम है प्रीमियम कैटेगरी का, ये 4 से 5 लोगों की फैमिली के लिए परफेक्टली सूटेबल है। सो गाइस अब मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ एक और प्रीमियम कैटेगरी का रूम। और यहाँ की खास बात ये है कि जो रूम्स हैं वो सिमिलर नहीं हैं। हर रूम्स के अंदर आपको डिफरेंट आर्किटेक्चर मिलेगा, डिफरेंट पेंटिंग्स मिलेंगी और जो सजावट है वो भी डिफरेंट रहेगी। सो ये भी प्रीमियम कैटेगरी का रूम है, बट यहाँ पर आप देखिए इसमें और ज़्यादा हमें जो ब्लेज वाला फील है और जो इसका डिज़ाइनिंग करी गई है वो सेम है। इस तरह के आले पहले घरों में होते थे जो कि मिट्टी से बने हुए होते थे, और ये भी मिट्टी से ही बना हुआ है। ये देखिए बैठने के लिए या कोई सामान रखने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है। साइड में आते हैं तो यहाँ पर उसी तरह की जो अलमारी वगैरह बनाई जाती थी पहले घरों में उसी तरह की बनी हुई है। और ये देखिए ब्यूटीफुली जो कांच वगैरह लगा के इनको डिज़ाइन किया गया है एक एक पीस को लगा के। तो गाइस यहाँ पर जो बैक साइड टेबल है वो भी यहाँ पर वुड का नहीं है बल्कि पत्थर और मिट्टी का बना हुआ है। बाकी जो अदर चीज़ें हैं ये तो नॉर्मल हमें हर जगह मिल जाती हैं। इसके बाद गाइस ये यहाँ पर बेड है, और जो बेड है ये अगेन बना हुआ है मिट्टी से। साइड में यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन है आप देख सकते हो। और जो इसकी ऊपर वाली बेडशीट है ये भी कुछ इसकी मिलती जुलती डिज़ाइन है और इसी जो रूम के साथ ही परफेक्टली मैच हो रही है। तो यहाँ पर देखो मिट्टी से कितनी ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन इन लोगों ने बनाई हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमें अगेन वही मिट्टी और पत्थर से बनी हुई साइड टेबल और एक ये मेन टेबल मिलती है। उसके बाद वुड का बना हुआ एक ये चेयर मिल जाता है। और ये देखिएगा इस मिट्टी का बना हुआ बेड, इस तरह के बेड गांव में ही मिल सकते हैं। और अगर आपको ये फील लेना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा अगर आपके पास गांव में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। बात कर लेते हैं बाथरूम की, तो बाथरूम का दरवाज़ा वही, उसके बाद हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें फुल फ्लेज अलमारी मिल जाती है जो कि अंदर से इस तरह की रहेगी जो कि पत्थर और वुड से बनी हुई है, और बाहर से जो दरवाज़ा है वो वुड का है। इस तरह का बाथटब हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो बेसिकली लग्जरी और जो भी ब्लेज कल्चर है उसका मिक्सचर आप इस रिजॉर्ट को बोल सकते हो। इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। प्रीमियम रूम कैटेगरी के बाद अब हम आ गए हैं सुपर प्रीमियम कैटेगरी में, और ये वाला जो रूम है इसमें बहुत सारी खासियत हैं जो मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। वाह, एक अंदर आके ना आपको इसमें ठंडापन सा फील हो रहा है, और उसका रीज़न ये है कि ये वाला जो रूम है कम्प्लीटली मिट्टी से बना हुआ है। इवन जो ऊपर आप बीम वगैरह देख रहे हो ये बीम भी वुड की बनी हुई है। बाकी जो दीवारें हैं, जो पेंटिंग्स आप देख रहे हो, ये सारा का सारा मिट्टी और जो भी अदर मटेरियल्स है उसको लेके डिज़ाइन किया गया है। ये जो पेंटिंग्स हैं ये कच्छ की पेंटिंग्स हैं। सो गाइस ये वाला जो रूम है यहाँ का सबसे पुराना रूम है, और इसकी जो थीम उस तरह की है कि जब पुराने ज़माने में लाइट वगैरह नहीं होती थी सो मल्टीपल मिरर्स का यूज़ करके लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता था और सारे घर में लाइट करी जाती थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मिरर्स का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, एक्सेस हुआ है। एक तो सबसे पहले दरवाजे के चारों तरफ आप देख सकते हो मिरर को कुछ इस तरह से लगाया गया है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो बॉल में एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पर दिया या लाइट का कोई सोर्स है वो रखा जाता था जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती थी और अदर जो मिरर से उन पर पड़ती थी, और जिससे धीरे धीरे सारा रूम लाइट अप हो जाता था। यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर भी एक हमें बड़ा मिरर मिल जाता है। इसके बाद आप देखिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर है अगेन पत्थर और मिट्टी का यूज़ करके बनाया गया है। यहाँ पर आप बैठ सकते हो, आपको कोई काम करना है वो कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको ये वुडन चेयर मिल जाती है। इसके बाद ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर होटल में होती है वो रखी हुई हैं, फ़ोन है, केटल है। इसके बाद गाइस ये देखिए सामान वगैरह रखने के लिए इस तरह के आले पहले बनाए जाते थे, अभी भी आप गाँव में जाओगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आते हैं तो ये मिट्टी की और पत्थर से बनी हुई साइड टेबल मिल जाती है। इसके बाद आप ये बेड देखिए ऊपर से नीचे तक कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। और गाइस ये पूरा का पूरा जो बेड है ये मिट्टी का बना हुआ है, इस सारी की सारी डिज़ाइन मिट्टी की बनी हुई है। ऊपर आप देखो बेहतरीन जो लैंप्स वगैरह हैं डिज़ाइनर लैंप्स उनका यूज़ किया गया है। और इस वाले रूम का जो मेन ये लोग यूज़ करते हैं वो होता है पार्टीज़ के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना है उस चीज़ के लिए इस रूम को यूज़ किया जाता है। चलते हैं बेड के दूसरी साइड, यहाँ पर हमें अगेन मिट्टी और पत्थर से बनी हुई साइड टेबल मिल जाती है। इसके बाद अगर बॉल पे जाए तो कुछ इस तरह की एक ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन हमें मिलती है। इस साइड पर अगर आप जाओगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। और इस तरह की एक छोटी सी अलमारी बनी हुई है जिसमें आप सामान भी रख सकते हो या इसको डेकोरेशन पर्पज़ से भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद अगेन हमें यहाँ पर एक मिट्टी का छोटा सा बेड मिल जाता है। सो अगर आपकी 3 से 4 लोगों की फैमिली है उसके लिए रूम परफेक्टली सूटेबल है। और अगेन यहाँ पर हमें वही मिट्टी से बनी हुई डिज़ाइन मिल जाती है। इसके बाद अब चेकआउट करते हैं वॉशरूम एरिया।
और वॉशरूम का आप ये बाहर का डिज़ाइन देखोगे तो ये भी एकदम परफेक्टली ओल्ड स्टाइल में बना हुआ है। इस तरह के जो हमारे यहाँ पर इनको खूंटा बोला जाता है, तो इस तरह के खूंटे यहाँ पर लगे हुए हैं और ये घोड़े के शेप का एक खूंटा लगा हुआ है और ये दूसरी तरफ भी है। चलते हैं बाथरूम के अंदर। सुबह से यहाँ पर हमें इस तरह का बाथ टब मिल जाता है और टॉवल्स वगैरह रखना, ये जो नॉर्मल सारी चीज़ें होती हैं वही सब हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें एक अलमीरा मिल जाती है और अलमीरा का डिज़ाइन वही है, अगेन ये वुड और मिट्टी से बनी हुई है। सो गाइस, जो अब हमारा अगला रूम है ये है यहाँ की टॉपेस्ट कैटेगरी और इसकी कैटेगरी का नाम है रॉयल रूम, और इस वाले रूम का भी एक स्पेशल नाम है, वो है राधा कृष्ण रूम। और आप यहाँ देख सकते हो इसका आर्किटेक्चर किस तरह का है। ये जो दरवाज़ा है ये वुड का और मेटल का बना हुआ है और ये करीब करीब 80 साल पुराना है। यहाँ पर आप देख सकते हो पुराने ज़माने की स्टाइल में ये साकर लगी हुई है। चलिए इसको अंदर से देखते हैं ये किस तरह का रूम है। वाह, तो गाइस जैसे कि इसका नाम है राधा कृष्ण रूम, तो आप देख सकते हो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भगवान कृष्ण है वो राधा मैया की सेवा कर रहे हैं। इसके बाद जो अगली पेंटिंग है वहाँ पर भी वो राधा मैया की सेवा कर रहे हैं, अगली पेंटिंग में उनके बाल संवार रहे हैं। और इस साइड एक और ये ब्यूटीफुल पेंटिंग है, इसमें वो राधा मैया के लिए जो वैजयंती माला होती है वो बना रहे हैं। सो गाइस, जैसा कि इस रूम का नाम है रॉयल रूम और ये काफ़ी बड़ा रूम है, अगर साइज़ की बात करें तो अराउंड ये 20-20 साइज़ में फैला हुआ है। बात करते हैं यहाँ पर, सो सबसे पहले तो हमें ये लकड़ी और मट से बना हुआ बेड मिल जाता है, किंग साइज़ ये बेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका ऊपरी सिरा है काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर हमें कुछ ब्यूटीफुल लैंप्स वगैरह मिल जाते हैं और इसकी जो वॉल्स वगैरह है सारी की सारी मट से बनाई गई हैं और जो ऊपर इसमें काफ़ी खूबसूरत लैंप्स वगैरह लगाए गए हैं। सो गाइस, नीचे आप देख सकते हो ब्यूटीफुल तरह से मैट्स एज अ चटाई को एज अ मैट्स बिछाया गया है। आगे चलते हैं और यहाँ पर हमें तीन बड़ी बड़ी विंडोज़ मिल जाती हैं जिनसे हमें कंप्लीट लुक मिलता है आउटसाइड का। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये सोफ़ा रखा हुआ है जो बैम्बू का बना हुआ है और काफ़ी ब्यूटीफुल कुशन्स इसमें लगाए गए हैं। और ये जो सोफ़ा है करीब करीब 40 ईयर्स ओल्ड है। इसी के साथ यहाँ पर दो और ब्यूटीफुल चेयर्स लगाई गई हैं जो सेम उसी बैम्बू की बनी हुई हैं। यहाँ पर हमें एक एडिशनल विंडो मिल जाती है जिससे हमें बाहर का जो खूबसूरत व्यू है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है और जो अदर एनिमिटीज़ होती हैं वो सब यहाँ पर रखी हुई हैं, लाइक कैटल है, फ़ोन है, मेन्यू है। सो गाइस, इसके बाद बात करते हैं इस ब्यूटीफुल अलमीरा की जो बनी हुई है वुड से, मट से और ब्रिक से। अंदर से देखते हैं किस तरह की है। सो गाइस, अंदर से भी ये मट से और जो पत्थर होता है उससे बनी हुई है जो हमारे घरों में पहले के ज़माने में बनाई जाती थी, तो सेम आपको वही फील और कल्चर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इस वाले रॉयल रूम का वॉशरूम किस तरह का है। ओह गॉड, सो इट्स अ ह्यूज वॉशरूम हमें यहाँ पे मिलता है। सो गाइस, इस इतने बड़े वॉशरूम में सबसे पहले हमें एक ये पर्सनलाइज फ्लैश पूल मिलता है। इसके बाद ऊपर आप देखोगे तो एक ओपन एरिया है जो हमें स्पेशल फील देगा कि आप ओपन में जो फ्लैश पूल है उसको यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर इसमें जाली लगाई गई है ताकि बाहर से किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ अंदर ना आए। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये यहाँ पर मेन वॉशरूम है जहाँ पर कमोड वगैरह लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो एक आईना हमें मिल जाता है, साथ में यहाँ पर हमें मिलता है बाथटब। सो कुछ इस तरह का बाथटब हमें इसमें मिलेगा, प्लस अगर आप चाहते हो कि आपको खेत वगैरह देखना है यहाँ से तो आप इसको ओपन करके भी जो भी बात करने का मजा ले सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर एक खास बात और है कि अगर आप दूर देखोगे तो जो अरावली हिल्स हैं वो भी ठीक ठाक बढ़िया से नज़र आती हैं, तो ये नज़ारा भी आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो साथ में बात करते हुए। सो ये ह्यूज वॉशरूम आपको इस रूम के साथ मिलने वाला है। सो गाइस, अगर मैं इस ह्यूज वॉशरूम की एरिया की बात करूँ तो ये करीब करीब 200 स्क्वायर फीट है, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा वॉशरूम आपको इसमें मिलेगा। सो गाइस, लॉन वन में एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर रिजर्व कॉटेजेस भी हैं और रिजर्व कॉटेजेस में आपको पर्सनल पूल भी मिलता है। सो जो लॉन वन के जस्ट बगल में ये इस तरह की रिजर्व कॉटेजेस हैं, तो अगर आप एक बड़ी फैमिली या मल्टीपल फैमिलीज के साथ आ रहे हो एक साथ तो आप रिजर्व कॉटेज बुक कर सकते हो। सो इसमें आपको काफ़ी पर्सनलाइज स्पेस मिल जाता है, साथ में आप देख सकते हो पर्सनल स्विमिंग पूल भी मिलेगा, कुछ इस तरह की जो आपको एरिया मिल जाता है जिसमें आप बैठ के इंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो गाइस, हमने देखा कि यहाँ पर कितनी कैटेगरीज के रूम हैं और जो हर कैटेगरी है और जो रूम के अंदर की थीम है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दो सिमिलर रूम आपको मिलेंगे, हर रूम का कल्चर वाइज या जो थीम वाइज है वो डिफरेंट है। और सारे के सारे रूम मड से बने हुए हैं, मड प्लस पत्थर का यूज़ हुआ है लाइक अलमीरा बनाने में या जो बेड बनाने में, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई। सो अगर आप भी इस तरह की चीज़ों को फील करना चाहते हो, इन्जॉय करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हो। न्यू गुड़गांव के पास ये रिज़ॉर्ट बना
हुआ है जो खिड़की द्वारा टोलना का है, वहाँ से करीब करीब 12 से 15 किलोमीटर अंदर ये जो रिजॉर्ट है वो पड़ता है और चारों तरफ है ढेर सारी ग्रीनरी। तो हमारी तरफ से रहेगा थम्स अप, अ मस्ट विजिट प्लेस इन गुड़गांव। सो गाइस अब लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।